को यहाँ पर बुलाते करिए, वहाँ पर यहाँ पर उन्हें नहीं बुलाते और हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते तो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ अपने काफले का रुख करेंगे। बहुत मेहरबानी। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर सब जो स्टूडेंट्स जमा हुए हैं इनका सिर्फ एक ही मकसद है और एक ही मुतालबा है, एक मकसद और एक मुतालबा। मकसद ये है कि सारे के सारे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ख़िलाफ़ आए हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बहुत गलत क्राइटेरिया ने मुल्क भर के 2 लाख स्टूडेंट को जो कि मेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको अफेक्ट किया है और उनको डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया और बहुत से टॉपर्स बच्चों को इन्होंने फेल किया है, क्योंकि इनके जो क्राइटेरिया है, इनका जो टेस्टिंग सिस्टम है, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग का जिस कंपनी को दिया वो भी करप्ट है बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से मसाइल हैं इनके सॉफ्टवेयर में, फिजिकल इशूज़ हैं, टेक्निकल इशूज़ हैं, इनकी बिहेवियरल इशूज़ हैं। तो इन वजह से जो है ये स्टूडेंट उन इस पॉलिसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की इस नई पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और मुतालबा हमारा सिर्फ एक ही है कि ये टेस्ट कंडक्ट किया जाए, पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही टेस्ट रखा जाए, रिकंडक्ट किया जाए, फिजिकल टेस्ट एक ही दिन पर रखा जाए। अभी इन्होंने हमें टाइम दिया आधे घंटे का, अगर आधे घंटे में ये हमारी मुलाकात प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ और जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर है सुफैसल सुल्तान जावेद साहब, अगर उसके साथ हमारी मुलाकात, इन्होंने कहा कि हम उनको यहाँ पर बुलाते करिए, वहाँ पर यहाँ पर उन्हें नहीं बुलाते और हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते तो इंशाल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ अपने काफले का रुख करेंगे। बहुत मेहरबानी।